ओए इधर बोल के जा, अगर 95 नहीं आया तो क्या होगा देखा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहा है, बट अभी गुड इवनिंग बोलते हैं, गुड नाइट तो ऑब्वियसली नहीं बोलते हैं, बट अभी गुड इवनिंग भी नहीं बोल सकते। हम खाना वाना खा के, मैं और मुझे कहीं और जाना था, बाइक लेके मुझे निकलना था रात को, इसके चक्कर में मुझे आज जाना पड़ रहा है इंडिया गेट। ऐसे ही मतलब ट्रिप पे निकल रहे हैं अभी बस, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, तब तक ये कैमरा पकड़ेगी, पकड़ रहे, और पता नहीं मुझे, मैं अभी शूट कर रहा हूँ ऐसे क्योंकि कार का लाइट सफिशिएंट नहीं है एक्चुअली, बट ये पता नहीं कैसे ऐसे ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक हो रहा है अपने आप। वही तो दिक्कत है, जाओ ले आओ एक, ब्लिंक नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही होता है। शायद तेरे पास खाने के लिए बुला, ऐसे ऐसे ही बुला, आ गए खुद ही आ गए, हाथ में काटेगा वो देख, हाथ में काटेगा, कुछ है नहीं रे आज, वो भी ना बोला तो भी मैं नहीं आ रहा। बाय। उसको पट्टे भी है उसके गले में, मैं तो पेट्रोल पंप को कुत्ता रहा हूँ। और रेड लाइट अभी खुल गया है, बट दिल्ली में अभी 10:30 हो गया है, बट दिल्ली में ना मतलब अभी ऑफिस टाइम, ऑफ टाइम, वीकडेज, वीकेंड्स कुछ समझ में नहीं आता है। अभी भी रात के 10:30 बजे भी इतना जाम लग रहा है पूरा, तो दिल्ली में तो आप गाड़ी चलाओ, मतलब कार लेके जाना एक्चुअली टेरिफिक है, बाइक लेके तो आप चले जाओ कोई दिक्कत नहीं होता, बट कार लेके तो हालत ख़राब हो जाता है। बस अभी एक और रेड लाइट है, शायद वहाँ पे जाम लगे, उसके बाद थोड़ा सा खाली मिलेगा। मैं अन्वेषा को लेके जा रहा हूँ, बट ये है कि मुझे पता नहीं, मैं लास्ट टाइम जब भी गया था इंडिया गेट में, अभी शायद कुछ टाइम पहले गया था, एक महीना पहले ही, तो तब इंडिया गेट बंद था रात को एक्चुअली। सीधा गए इंडिया गेट रात को बंद था, बंद इन द सेंस साइड में तो बैरिकेडिंग होता ही है, बट नीचे का लाइट भी बंद था, सिर्फ ऊपर जो अपना फ्लैग का जो लाइट होता है बस उतना ही जलता है। तो अभी मुझे पता नहीं अभी क्या कंडीशन होगा, बट इसको लेके जा रहा हूँ, अभी जो भी होगा वहाँ पे जाकर दिखेगा, दो चार फोटो खींचेंगे, अगर खुला होगा मतलब थोड़ा सा भी वहाँ पे अगर पार्किंग वगैरह मिल जाता है तो थोड़ा टाइम इन्जॉय करेंगे। बाकी सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर मैंने चेक नहीं किया, कोई बताएगा मुझे टेम्परेचर कितना है अभी दिल्ली का? चेकिंग 70 डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली। Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. ये इंडिया गेट के सर्कल है, इंडिया गेट तो पहुंच गए, बट यहाँ पे रात को पार्किंग नहीं मिलता एक्चुअली, और रोड के ऊपर भी गाड़ी कहीं पे भी खड़ा नहीं कर सकते, तो इसलिए रात को आने से ये प्रॉब्लम है कि पार्किंग नहीं मिल पाता है। अब देखते हैं, अरे अंदर पार्किंग है, क्या लाइटिंग की है, तो कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो हम तो अच्छे दिन में आए हैं। अरे वो कहीं एक्शन है ना उसके, अच्छा ये वो न्यूज वगैरह का होगा, प्लेटफॉर्म बना के रखे इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया गेट, तो पब्लिक जा रहा है अंदर, अंदर है पब्लिक तो दिख नहीं रहा, अरे वहाँ पे देख, जा नहीं रहा, देखो अच्छा अंदर तो है कुछ है क्या? बहुत भीड़ है, पार्किंग पूछना पड़ेगा, समझो यहीं पे खड़ी कर दिया। अरे नहीं वो तो यहीं पे है, खड़ी कर दिया तो यहीं पे है, उठा के लेके चले जाएंगे, क्या पागल है।
Later. चलाना भैया। बाद में चलाऊंगा। मेरे पैर टूटा हुआ। हाँ तू तो चला सकती है। मैं गिर गई तो। हाँ गिरेगी उसमें तो गिरेगी। ये बैटरी वाला है। कौन सा वाला? बैटरी वाला है। बैटरी छोड़ो। मुझे तो साइकिल नहीं आती। बैलेंस कैसे करूँ? अच्छा है गाड़ी बट मैं चलाऊंगा बाद में। 30 मिनट्स हमें लगा पार्किंग ढूंढने में। पार्किंग मिलना यहाँ पे सच में बहुत मुश्किल काम है। और अभी जो एक पार्किंग है वो बंद हो चुका है, तो हम रास्ते के ऊपर ही खड़ा करके आ रहे हैं। सभी ऐसे ही खड़ा करके आ रहे हैं और सब ऐसे ही। एक और छोटा बाइक भी है, वो बाद में ट्राई करेंगे। बाकी इंडिया गेट सामने ही है, पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा रश है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। मैं उम्मीद भी नहीं किया था। अभी मैं एक महीना पहले ही रात को यहाँ पे आया था, तब सुनसान था पूरा, क्योंकि तब सेंट्रल विस्टे का काम यहाँ पे चल रहा था। इंडिया गेट का सारा सराउंडिंग में और सेंट्रल विस्टे के साथ पूरा काम चल रहा था। बट अब जब से ये बन गया है तो तब से पूरा इसको ओपन कर दिया है और अभी एकदम मतलब खचाखच भरा हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं, इंडिया गेट की तरफ चलते हैं। पहुंच गए हैं और मतलब एक्सेस रश है यहाँ पे, एक्सेस ज़्यादा रहा नहीं जाएगा। और सर्दी थोड़ा भी नहीं लग रहा है, इतना पब्लिक है यहाँ पे, सर्दी थोड़ा भी नहीं लग रहा है, मतलब फील भी नहीं हो रहा है कि सर्दी है। कम से कम 2 साल बाद मैं इंडिया गेट के ये इनर सर्कल पे आया हूँ, क्योंकि 2 साल से लगभग इंडिया गेट बंद ही था जब से सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है। और यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू लगा हुआ है, उसको देखते हैं, क्योंकि उसको अभी तक मैंने देखा नहीं था, तो पहले उधर चलते हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर इधर आके फोटो वगैरह खींचेंगे। आपको कुछ बोलना है? हैं? हट इधर, ये सस्ता ब्लॉगर है। इसका भी 10th का एग्जाम है, इसलिए इसका अपने चैनल पे ब्लॉगिंग वगैरह सब बंद है, डांसिंग वगैरह सब कुछ बंद है, कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि अभी 10th इसको अच्छे से निकालना है और जो कि उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद है क्या उम्मीद है? मैं अच्छा स्कोर करूंगी। घंटा 95 स्कोर करके ही दिखाएंगे। तू ऑन रिकॉर्ड बोल रही है ये जान के रख, अगर 95 नहीं आया, ओए इधर बोल के जा, अगर 95 नहीं आया तो क्या होगा? देखा जाएगा। अच्छा तब का तब देखा जाएगा। एक्चुअली हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, अभी 11:15 हो गया है और 11 बजे के यहाँ पे टाइम है। टाइम तो किसी को पता नहीं था एक्चुअली, तो अभी भी बहुत रश है, बट अब पुलिस वाले भगा रहे हैं सबको, मतलब धीरे धीरे निकाल रहे हैं। उधर भी मना है? नहीं उधर तो जा सकते हैं, इधर मना है ना। तो अभी सबको एक एक करके निकाल रहे हैं, यहाँ पे रुकने का परमिशन नहीं है, तो हम भी यहाँ से अब निकल रहे हैं, क्या करें, क्योंकि पंगाबाजी का फायदा नहीं है। फिर भी बड़े मुश्किल से एक आधा ही फोटो खींचे हैं, बस फोटो खींचने का मौका नहीं मिल रहा। खींचा ही नहीं है फोटो। सबको ऐसे भगा रहे हैं जैसे शाम होने के बाद गाय को भगाते हैं ना घर में, वैसे ही। 11:20 हो गया। क्या किसी भागना पड़े? नहीं। अरे इसका ब्रेक कहाँ है? ये ब्रेक भाग गया। अच्छा। ये की भी आराम से आ जा। चलाइए, इधर चलाइए।
भाग नहीं सकते। बाइकर का मन बाइकर का ही होता है, भले में कार रहा हो बट बाइक चलाना जरूरी है। मैं कम चलाया हूँ लाइट। इतना भगाया है ना पुलिस वालों ने कि क्या बताया, सबको खदेड़ खदेड़ के भगा रहे एक एक करके। नहीं नहीं पागल है, अरे नहीं तबीयत खराब हो जाएगा। नहीं नहीं आइसक्रीम नहीं। हाँ हमारा घूमना उमना हो गया है थोड़ा, जो बैटरी स्कूटी था उसका ही मजा ले लिया है, ये नहीं चलाई है, मैं चलाया हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं बस, अब यहाँ पे सबको भगा रहे हैं, यहाँ से कुछ करने नहीं देंगे, अब यहाँ से निकाल रहे हैं सबको, तो बस कार पे जाते हैं और फिर देखते हैं अगर कुछ कहीं पे और जाते हैं तो आपको दिखा देंगे, नहीं तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो पता है आपको लाइक करना है, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन स्टे सेफ, ड्राइव हार्ड एंड कीप ड्रीमिंग। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby. चालान हो जाएगा मेरा और बाइक भी नहीं छोड़ेगा। कौन पकड़ पकड़। नहीं टाइम 11 बजे 11 20 हो गया। क्या कैसे भागना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं। अरे इसका ब्रेक का है। ये ब्रेक भाग गया। अच्छा। ये की नाम से बजा। अरे और किसी को चलाना है तो चलाना। उधर लाइट लाइट है ना। ये चला। ऑन कर दिया उसको। हां ऑन है। खाली कराना, खाली हो गया, देख रहे हैं। हाँ चलाइए चलाइए।